जय हिंद दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है मिस्टर स्काल्पो की एक और नई वीडियो में और मैं हूं आप सभी का दो संचित दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा आज के लिए क्या व्यू था किस तरीके से मार्केट ने हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स को फॉलो किया है कल के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन को दबा देना जिससे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे चैनल की और इस वीडियो का लाइक एम है टू लाइक्स जो कि आप पूरा कर ही देते हैं चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों आज के दिन हमें दोनों तरफ का ट्रेड देखने को मिला आ, मैं आपसे क्या कह रहा था निफ्टी में मोस्ट प्रोबेबली एक टाइम वाइज करेक्शन हो सकता है बहुत सारे लोग बहुत बातें कर रहे थे कि बड़ी बड़ी कैंडल्स बनेगी रेड कैंडल बन जाएगी क्रैश हो जाएगा ये हो जाएगा हो सकता है अभी भी हो सकता है बट इसे आप लेवल तोड़ने दीजिए केवल अजम्पशन लगा के प्रियम्प्ट मत कीजिए कि मार्केट क्रैश होगा तो मैं यहाँ पे पुट खरीद लेता हूँ यहाँ पे ये कर लेता हूँ यहाँ पे वो कर लेता हूँ लेट द लेवल स्पीक लेवल अपना काम करेंगे लेवल को आप बताने दीजिए मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है अभी लेवल्स हमें क्या बता रहे हैं कि मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है अगर आप ऊपर की साइड देखें आज के दिन पहली जो फर्स्ट कैंडल थी वो इस लेवल से रिजेक्शन लेके आई एंड में जो शॉर्ट कवरिंग मूव आया वो भी इस इस लेवल के ऊपर आके जो है वो रिजेक्शन लेते हुए एंड में मार्केट ने सपोर्ट कहाँ पे लिया 350 का जो हमारा लेवल था जो इसने काफ़ी टाइम तक होल्ड करा एंड में यहीं पे जो है वो सपोर्ट लेता हुआ दिखा मैंने आप लोगों को क्या बोला था अगर 350 टूटे तो ये 280 तक आ सकता है बट अगर अपने को स्ट्रांग अच्छा मोमेंटम चाहिए मतलब या तो आप तीस चालीस पॉइंट में खुश हो गए हो बीस पॉइंट में आपके अपनी आ, वो बोलते हैं ना एपिटाइट है न, बट कई लोग नहीं होते इस चीज़ से कुछ उन लोगों को अच्छे पॉइंट्स चाहिए होते हैं कम से कम पचास सौ पॉइंट डेढ़ सौ पॉइंट निफ्टी में एक शॉर्ट का बने तो मज़ा आए तो उस तरीके का और उस क्वांटम का अगर आपको फॉल चाहिए तो हमें टू एट्टी के लेवल के नीचे जाना पड़ेगा टू एट्टी का लेवल निकलेगा तब एक अच्छी फ्रेश जो है वो गिरावट आएगी जो इसे टू ट्वेंटी फाइव और वन फिफ्टी के लेवल तक लेके जाएगी और आज के दिन हम बिल्कुल लोअर लेवल जो हमारा टू एट्टी का सपोर्ट था यहीं से बाउंस हमने दिया है और डायरेक्ट हमें इतना अच्छा मूव ऊपर की साइड का शॉर्ट कवरिंग मिला है अब शॉर्ट कवरिंग बाउंस क्यों आया दोस्तों आज के दिन आज के दिन शॉर्ट कवरिंग बाउंस इसलिए आया क्योंकि अभी भी पुट कॉल रेशियो पॉइंट नाइन वन है जो कि ओवरसोल्ड कैटेगरी में है और जब निफ्टी इस लेवल के आसपास था टू एट्टी के आसपास था उस वक्त पुट कॉल रेशियो लगभग जीरो पॉइंट एट फाइव के आसपास था जो कि एक्सट्रीम ओवरसोल्ड सिनेरियोज में चला जाता है तो ये चीज़ है तो इस वजह से हमें यहाँ पर दिक्कत देखने को मिली एंड में जो 17,400 की कॉल है उसके ऊपर अच्छी पुट राइटिंग हो रही थी जब मार्केट 17,420, 430 के ऊपर सस्टेन कर रहा था और लग रहा था एक बहुत एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग बाउंस आएगा बट उसके बाद कॉल राइटर्स दोबारा से हावी हुए ये जो रेड लाइन है पुट राइटर्स की ये छोटी होती गई और कॉल राइटर्स ने अपनी स्ट्रेंथ जो है वो दोबारा बना ली है ग्रिप में मार्केट चला गया दोबारा से राइटर्स के ये मैं आपको बोल रहा हूँ ये हफ्ता ट्रंकेटेड है अगर यूएस में अभी हम वर्ल्ड मार्केट की भी बात करेंगे कुछ बड़ा हमें नहीं देखने को मिलता है इवेंट कुछ बड़े मूव आइदर साइड में नहीं देखने को मिलते हैं तब तक मार्केट को ये लोग रेंज में रखने की पूरी कोशिश करेंगे और ये इनका पूरा का पूरा प्लान जो है वो समझ में आ रहा है इस वक्त जो भी बिग प्लेयर्स हैं इनका इस हफ्ते तो खासकर क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा रनअप दे चुका है गिरने ये देना नहीं चाहते क्योंकि इंडेक्स मैनेजमेंट दबा के चल रहा है दो दिन से आपने देखा रिलायंस ने सपोर्ट दिया आज के दिन अकेला एच डी एफ सी तीन परसेंट ऊपर पूरे मार्केट को खींच के लेके गया तो इंडेक्स मैनेजमेंट दबा के चल रहा है वो साफ साफ आपको दिख जाएगा एक ना एक सेक्टर एक ना एक कुछ ना कुछ ऐसा आ जाएगा जो निफ्टी को गिरने नहीं देगा पुट्स गल रही हैं अगर इंटरनेट आप बुक नहीं करोगे किसी ने सोचा यार इतने दिन मैंने होल्ड करी है अब चालीस पचास पॉइंट पर मैं क्यों बुक करूँ तो आ जा भाई उस वो चार सौ तीस का हाई पे वो अपना स्टॉप लॉस कटवा के वापस यहीं पे आ गया तो मार्केट इसी तरीके से चल रहा है या तो आपको रेंज को प्ले करना होगा नीचे खरीदिए ऊपर जो है वो सेल कर दीजिए ऊपर शॉर्ट कर दीजिए नीचे कवर कर लीजिए वरना आप इस मार्केट में कोई ट्रेंडिंग जो है वो मूव एक्सपेक्ट मत कीजिए जब तक इंपॉर्टेंट लेवल्स नहीं टूटते हैं तो निफ्टी में तो इस प्रकार रहा बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें वही चीज़ हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज क्या था आज के दिन 550, 450 के नीचे अगर मार्केट जाएगा तो ये मार्केट नीचे आ सकता है हमारा पहला टारगेट जो था वो 36,250 था लास्ट वीडियो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं दूसरा टारगेट था हमारा 36,120 150 के आसपास से ही मार्केट ने रिवर्सल दिया है बट मेरे को एक्सपेक्टेशन थी कि शॉर्ट कवरिंग आएगी बट इतनी ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग कि डे जो हाई था उसको भी ब्रेक कर दिया और उसके बाद दोबारा से नीचे आ गया तो बहुत एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी चल रही है बट इतनी वॉलीटिलिटी को देख के हमारा इंडिया विक्स डाउन हो गया ठंडा पड़ गया कि भाई नहीं ज़्यादा वॉलीटिटी नहीं है इंडिया विक्स के मुताबिक तो ये सारे गेम आज के दिन चले हैं अब कल के लिए हमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट देखनी है सबसे पहले वर्ल्ड मार्केट को देख लेते हैं क्योंकि वहाँ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं यू मार्केट की अगर मैं बात करता हूँ डेली चार्ट फॉर्मेशन में यहाँ पर करता हूँ देखिए यू मार्केट में डेली चार्ट फॉर्मेशन मैंने करी और ये मैं आपको दिखा रहा था कि यू मार्केट एक स्लोप में चल रहा है मतलब एक इस तरीके का राइज नहीं है कि जो जैसा निफ्टी का है ना बिल्कुल सीधा राइज यू मार्केट धीरे 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 अपनी चाल चल रहा है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स हैं इसके पास ऊपर की साइड बट अभी ये बहुत साइडवेज हो चुका है अगर आप अब ये आप लास्ट 23 थ्री अगस्त से अगर आप देखें तो आज हो चुकी है सेवन सेप्टेम्बर लगभग 12 से 15 दिन हो चुके हैं और यूएस मार्केट बिल्कुल साइडवेज चल चला गया है दस से बारह दिन से लगातार साइडवेज जो है वो यूएस मार्केट चल रहा है कोई भी बड़ा मूव आइदर साइड नहीं दे रहा है स्पेशली डाउ जोन्स नैसडेग की अगर हम बात करते हैं स्ट्रांग है नेसडैक बट आज प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है और देर इज अ चांस कि अगर ये 15,590 और 570 का लेवल ब्रेक करता है नीचे की साइड तो एक स्ट्रॉन्ग अच्छा फॉल जो है वो नीचे की साइड आ सकता है जो एटलीस्ट 15,400 तक नैसडैक को नीचे लेके आएगा तो इंपॉर्टेंट लेवल्स पे वॉच आउट कीजिएगा एस एन पी फाइव दोबारा से डाउजोन्स की तरह धीरे 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 करके ऊपर की साइड चल रहा है बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है 15,14 का लेवल 15,14 के नीचे जाते ही इसमें वीकनेस आएगी आज के दिन एशियन मार्केट में हल्की फुल्की वीकनेस थी चाइना और हांगकॉन्ग जो कि दुनिया की चाल से अलग चलते हैं वो स्ट्रॉन्ग थे यूरोपियन मार्केट्स फ्लैट टू नेगेटिव थे बट इतनी कोई बड़ी नेगेटिव चीज़ें नहीं थी जितना हमारा मार्केट और स्पेशली बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है अब उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा क्या रीज़न हो सकता है बैंक निफ्टी की के परफॉर्मेंस का स्पेशली एफएनओ एन डेटा देख के आ, तो चलिए अब सबसे पहले कल के लिए प्लान आउट कर लेते हैं सबसे पहली चीज़ हमें निफ्टी में क्या करना है निफ्टी में अगर मैं एफ एन डेटा अभी आपके सामने रखता हूँ सत्रह हज़ार के ऊपर लगभग वन लाख ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है ट्वेंटी जो है आज के दिन ही कॉल राइटिंग एड हुई है तो सेवनटीन फोर हंड्रेड पे बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग आज के दिन हुई है सेवनटीन फाइव हंड्रेड के ऊपर लगभग ट्वेंटी थाउजेंड के आसपास ओपन इंटरेस्ट आज के दिन ऐड हुआ है वन लाख से ज़्यादा जो है वो आज के दिन एडिशन हुआ है कॉल्स में सेवनटीन फाइव हंड्रेड की तरफ यहीं अगर हम पुट की साइड आते हैं सेवनटीन फोर हंड्रेड पे लगभग फोर्टी वन थाउजेंड आज के दिन अगर आप एक इंटरेस्टिंग चीज देखें तो कॉल की साइड दबा के राइटिंग हुई है आज के दिन मतलब मार्केट को ऊपर ले जाया गया महंगे में कॉले जो है वो बेची गई रिटेलर को या जिसको भी शाम को एफएनओ एन डेटा आएगा उसमें हमें चीज़ें समझ आएगी महंगे रेट में कॉल बेची गई और यहाँ पे राइटिंग जो है वो दबा के करी गई है बट लोअर लेवल्स पे जब पुट्स महंगी थी उस टाइम पे पुट्स की राइटिंग नहीं करी गई उस मात्रा में वो एक सरप्राइजिंग चीज़ है बट उसके बाद भी डिसेंट सपोर्ट स्ट्रांग सपोर्ट अगर आप बोलें तो लगभग सेवनटीन के ऊपर सेवेंटी जो है वो पुट राइटिंग है और 17200 के ऊपर लगभग 64000 पुट राइटिंग है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे एफ एन डेटा में और 17400 500 के कॉल राइटर्स तो बिल्कुल मतलब बैठे हुए हैं इस चीज़ के लिए कि भाई इस थर्सडे तक क्योंकि ये वीक वीक जो है वो थर्सडे तक ही है तो इस हफ्ते तो भाई हम सत्रह नहीं तोड़ने देंगे पूरा इन्हें इस चीज़ का कॉन्फिडेंस है और अभी यूएस फ्यूचर्स भी उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हुए दिखा रहे हैं अब कल हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं देखो निफ्टी क्लियर कट उसी रेंज में घूम रहा है अब यहाँ पे क्या चीज़ बन रही है जो हम फिबोनाची एक इम्पोर्टेंट लेवल की मैं बात कर रहा था एक तो 480 से 525 एक इम्पोर्टेंट जोन है जहाँ पे निफ्टी को एक रेजिस्टेंस मिलेगा ऑप्शन चेन के हिसाब से यहाँ पे एक फिब पॉइंट भी जो है वो हमें आ, आता हुआ दिखाई दे रहा है वो आ रहा है सेवनटीन के आसपास जो हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो में बात करी थी ये एक इंपॉर्टेंट फिबोनाची पॉइंट है तो मेरे लिए अगर निफ्टी 17450 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं देता है मैं इसे ब्रेकआउट पे तब तक बाय नहीं करूंगा जब तक सेवन सेवनटीन फोर के ऊपर निफ्टी नहीं निकलता है ठीक है ब्रेकआउट पे आपको तब बाय नहीं करना है नीचे मैं कहाँ पे बाय करना चाहूँगा 280 प्रीमियम सपोर्ट होगा 280 ब्रेक होगा तो मैं शॉर्ट में जाऊंगा और ये एक बहुत अच्छा शॉर्ट इस बार बनेगा क्योंकि 280 पे बहुत बार इसने सपोर्ट ले लिया है यहाँ पे इतनी बार सपोर्ट ले लिया है 350 के एरिया में 280 पे सपोर्ट ले लिया है तो अगर 280 टूटता है तो ये बिना रुके एटलीस्ट 225 के एरिया तक आएगा बहुत आराम से आपको इतना टारगेट आराम से मिलेगा तो अच्छी क्वान्टिटी में आप शॉर्ट कर सकते हैं टू के बाद टू तक का मेरा टारगेट होगा एस क्या होगा 285 290 का 10 15 पॉइंट का मैं एक छोटा एस लूंगा और बड़ा टारगेट लेने की कोशिश करूंगा एस लगेगा तो भाई निकलना है बैठे नहीं रहना है कि भाई अगर मार्केट मान लीजिए टू तोड़ता है और ब्रेक ब्रेकडाउन है वो फेल हो जाता है मार्केट रिवर्स हो जाता है क्योंकि हमें पता है किस तरीके से मार्केट चल रहा है एक्सट्रीम वॉलीटिलिटी के साथ तो अगर आपका लेवल रिवर्सल में कटता है ना तो उसे निकाल दीजिए आज देखिए 350 पे मान लीजिए किसी ने शॉर्ट किया हो एक बार यहाँ पे प्रॉफिट मिला बट दोबारा जब ये लेवल कटा वो इसी ज़िद में बैठा रह गया कि नहीं यार लेवल कट गया कोई बात नहीं मैं होल्ड करूंगा तो अब देखो कितना बड़ा लॉस होता है तो इस मार्केट में आपको जिद में नहीं बैठे रहना है अगर आपने एक लेवल कटने पर ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया है एक डिफाइंड रिस्क के साथ आपने वो ट्रेड लिया है तो जब वो डिफ़ाइंड रिस्क का स्टॉप लॉस आपका ट्रिगर हो रहा है तो प्लीज़ उसे ट्रिगर कीजिए ज़्यादातर लॉसेस लोगों के इस वजह से ही होते हैं क्योंकि वो रिवेंज ट्रेड में बैठे रहते हैं कि नहीं भाई मेरा स्टॉप लॉस इसने कैसे हिट करा मैं भी देखता हूँ कहाँ तक जाएगा तो फिर भाई वो दिखा देता है मार्केट को कि वो कहाँ तक जा सकता है तो 225 अपना टारगेट होगा 225 के नीचे मार्केट निकलता है तो शायद ये एक डिप लेगा 150 तक का एक जो है वो सपोर्ट दिखता है तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं कुछ इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है 200 पे एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश करिए करेगा आप देखना एक बार टू से लेकर मैं बोलता हूँ वन 190 से लेकर 225 इस एरिया में कहीं पे सपोर्ट लेने की ये कोशिश कर सकता है 190 टूटेगा तब ये दोबारा से वीक होगा और 50 पॉइंट्स आपको नीचे की साइड के देगा तो ये हमारा निफ्टी पे प्लान हो गया बैंक निफ्टी का प्लान बिल्कुल क्लियर कट सिंपल है अगर मैं ऑप्शन चेंज डेटा बैंक निफ्टी का देखता हूँ बैंक निफ्टी में दबा के कॉल राइटिंग हो रही है यार और पुट राइटिंग उतने क्वांटम में नहीं हो रही छत छत्तीस हज़ार पाँच सौ के ऊपर लगभग आज के दिन भी एट्टी नाइन थाउजेंड कॉन्ट्रैक्ट्स बैठे हुए हैं बहुत हैवी क्वांटिटी में सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है ये जो शॉर्ट कवरिंग जनरेट हुई ना जब ये छत्तीस हज़ार पाँच सौ के ऊपर निकला तभी इतनी अग्रेसिव दो सौ पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग जनरेट हुई क्योंकि ये जो राइटर थे ट्रैप हो गए थे बट जिसने भी ये बेची है इस टाइम पे वो हमें शाम को एफ डेटा में पता चलेगा वो बहुत स्मार्ट प्लेयर था उसने महंगे में कॉले बेची हैं और अभी काफ़ी प्रॉफिट में बैठा होगा लगभग सत्रह हज़ार के आसपास आज के दिन राइटिंग हुई है छत्तीस छः सौ के ऊपर थर्टी सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड के ऊपर फोर्टी एट थाउजेंड कॉन्ट्रैक्ट्स राइट हुए हैं और थर्टी सेवन थाउजेंड के ऊपर तो नाइन्टी थाउजेंड कॉन्ट्रैक्ट्स बैठे ही हैं अब इम्पॉर्टेंट क्या है अगर थर्टी सिक्स फाइव हंड्रेड के नीचे मार्केट रहता है तो थर्टी सिक्स फाइव हंड्रेड पर जो सिक्सटी फाइव थाउजेंड कॉन्ट्रैक्ट्स पुट राइटर बैठे हैं वो दबाव डालेंगे बैंक निफ्टी के ऊपर नीचे जाने का और इसे पहला सपोर्ट जो मीनिंगफुल ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से सपोर्ट कहीं पे मिलेगा तो वो मिलेगा 36,000 पे उससे पहले कोई मीनिंगफुल ऑप्शन चेन डेटा में इतना कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं दिख रहा है बट वम चार्ट पे सपोर्ट देखने की कोशिश करेंगे क्योंकि अगर इतना नीचे चला जाएगा तो वही बात मैं बोल रहा हूँ पुट कॉल रेशियो बहुत ओवरसोल्ड हो जाएगा मार्केट में शॉर्ट कवरिंग बाउंस आएगा आपका शॉर्ट भी निकलेगा और बहुत स्ट्रॉन्ग जब वो बाउंस में आपका सारा प्रॉफिट भी साफ़ हो जाएगा तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है अब इम्पॉर्टेंट क्या है अगर हम दोबारा से इस लो को ब्रेक करते हैं Uh, मान लीजिए अगर हम इस लो के नीचे जाते हैं फोर हंड्रेड एंड फिफ्टी के नीचे जाते हैं तो बैंक निफ्टी कहाँ तक आ सकता है मेरे हिसाब से ये थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी तक का एक डिप ले सकता है अगर थ्री फिफ्टी होल्ड करा तो ठीक है वरना दोबारा से ये लोअर एरिया जो था लगभग वन एट्टी टू हंड्रेड के आसपास का आप इसे बोल लीजिए वन एट्टी का लेवल थर्टी सिक्स थाउजेंड वन एट्टी का लेवल अगर थ्री फिफ्टी के नीचे बैंक निफ्टी सस्टेन करता है तो ये वन एट्टी तक दोबारा आ सकता है और ये यहाँ पे दोबारा सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा अगर 180 निकलता है तो ये दोबारा नीचे की साइड थर्टी सिक्स तक जो है वो जा सकता है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है नीचे के लिए ऊपर का मैं तब तक नहीं सोचूंगा जब तक 550 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं करता है फ़ाइव के ऊपर अगर सस्टेन करेगा बैंक निफ्टी तो फिर ये थर्टी तक का एक अपसाइड का मोमेंटम देगा तब हमें एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है या फिर हम क्या करेंगे लोअर एंड पे जो होगा लोअर एरिया जो होगा अगर यहाँ पे 180 पे 350 पे कहीं पे सपोर्ट लेता हुआ हमें दिखा रिवर्सल साइन दिखा है इसने तो हम यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट छोटे स्टॉप लॉस के साथ बाय कर सकते हैं बाकी कोई प्लान अभी आ, मेरा ऐसा नहीं है बैंक निफ्टी या इंडेक्स का इस इस हफ्ते मैं देख रहा हूँ कि इंडेक्स बहुत साइडवेज है तो मैं पर्सनली भी बहुत कम ट्रेड कर रहा हूँ और आपको भी सजेस्ट करूँगा जब तक कोई डिफाइंड मूव नहीं आते हैं बड़े अगर आप डायरेक्शनल प्लेयर हैं आप दोनों साइड का, का काम नहीं कर सकते इतनी जल्दी जल्दी पोजीशंस नहीं घुमा सकते Uh, मतलब इतने स्विंग्स नहीं चल सकते तो अवॉइड कीजिए एक हफ्ता दो तीन हफ्ते मार्केट ने अच्छा पैसा दिया है इंपॉर्टेंट है वो पैसा बचे इस हफ्ते क्योंकि ये पैसा अगर इस हफ्ते बचेगा तभी हम आगे जब अच्छा ट्रेड हमें मिलेगा आईधर साइड में किसी भी साइड डायरेक्शनल ट्रेड मिलेगा तो हम अच्छा पैसा वहां पर कमा पाएंगे तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में थैंक यू सो मच वॉचिंग आई जय हिंद वंदे मातरम